नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर आपकी सेहत की चिंता के साथ स्पाइडी लाइव में आपके साथ हूँ। हर परिवार में हम सबकी सेहत का ख्याल रखने के लिए कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी या कभी पत्नी के रूप में कोई ना कोई स्त्री होती है। लेकिन ये जो घर की महिलाएं होती हैं, ये अपनी सेहत के प्रति कितनी जागरूक होती हैं और कितना कंसर्न होती है ये अपने आप को, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए आज की डेट में जब हम देखते हैं कि पीसीओडी समस्या लगभग हर दूसरे घर की समस्या बन चुकी है, लेकिन महिलाएं उसके प्रति कितनी जागरूक हैं, कितनी नहीं हैं, यही है आज हमारी स्पाइडी लाइव की बातों का मकसद, आपकी सेहत को लेकर, सेहत के प्रति जागरूकता को लेकर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हम अपने साथ जिन्हें लेकर आए हैं वो है मेडिकल की दुनिया का एक बहुत जाना माना नाम, डॉक्टर साधना सिंघल बिश्नोई जी। अब इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साधना के साथ आगे बढ़ाएं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें, ताकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में कोई भी पीसीओडी की समस्या से ग्रस्त है या उसके मिलते जुलते सिम्टम्स से जूझ रहा है, तो ये सेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही अगर आपके पास कोई समस्या है तो इस कन्वर्सेशन के दौरान आप अपने कमेंट में पूछे गए सवाल के जरिए भी हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारी डॉक्टर उनका जवाब देंगी। तो बातचीत का सिलसिला हम डॉक्टर साधना के साथ शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं, मतलब डॉक्टर साधना, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्पाइडी लाइव सेशन में। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दोस्तों, डॉक्टर साधना कौन है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगी। एक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर साधना सिंघल बिश्नोई पिछले 25 सालों से मेडिकल प्रोफेशन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस क्षेत्र में वे एमबीबीएस, डीजीओ और डीएनबी जैसी डिग्री रखती हैं, जिनका एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर बहुत गहरा महत्व है। और वर्तमान में वे नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित क्लाउड 9 हॉस्पिटल में बतौर वरिष्ठ सलाहकार यानी सीनियर कंसल्टेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपनी एक्सपर्टाइज के चलते डॉक्टर साधना विश्नोई अनेक सेमिनार्स में हिस्सा लेती रही हैं और अनेक वर्कशॉप्स वो कंडक्ट भी कर चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो आज के स्पाइडी लाइव में हम डॉक्टर साधना सिंघल बिश्नोई जी से बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के बचाव, लक्षण और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर। तो डॉक्टर साधना, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि दरअसल पीसीओडी है क्या, यानी एक आम व्यक्ति इसे किस तरह से समझ सकता है? नहीं, देखिए, पीसीओडी एक पीसीओडी या पीसीओएस, पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अधिकतर लोगों को पीसीओएस होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, एक से ज्यादा लक्षण होते हैं। पीसीओडी में ओनली डिजीज ओवरी के अंदर ही होती है और ये इतना हार्मफुल भी नहीं होती, ना ही इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर पीसीओएस इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसमें आपको कई तरह की सिम्टम्स मिलते हैं। तो मेन ये टर्म जो पीसीओडी यूज होता है थोड़ा गलत यूज होता है। मोस्टली लोग दे हैव पीसीओएस, इसमें ओवरीज में पेरिफ्री पर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिनमें फ्लूड भर जाता है ना, फ्लूड फिल्ड सैक होते हैं वो, और ये एबनॉर्मल हार्मोन निकालते हैं, जैसे एंड्रोजन्स निकालते हैं जो मेल हार्मोन होते हैं। तो मेल हार्मोन की एक्सेस होने से, एंड्रोजन एक्सेस होने से आपको पीसीओडी जैसे सिम्टम, जैसे ये सारी डिजीज के जो लक्षण है ये आने लगते हैं। मेनली पीरियड कभी कभी डिलेड आने, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसमें डिलेड साइकिल्स होने लगते हैं, जैसे 35 डेज से ज्यादा की साइकिल को हम पीसीओएस के अंदर रख सकते हैं। या फिर इसमें आपको पीरियड आते ही नहीं है, 2 महीने नहीं आते, 3 महीने नहीं आते, 4 महीने नहीं आते। साइकिल्स एनोवुलेटरी होती हैं, एनोवुलेटरी साइकिल्स का मीनिंग होता है कि ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, एग नहीं बन रहा है। अगर एग नहीं बनता है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। आपको हर्सुटिज्म हो सकता है कि एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं चिन पर, एक्स्ट्रा हेयर जो मेल लाइक पैटर्न में हेयर है वो ज्यादा ग्रोथ हो सकती है हेयर की। इनफर्टिलिटी मैंने पहले ही आपको बोला है। और पीसीओएस में जो कि बहुत ही अनटच्ड है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ पीरियड ना आना और इनफर्टिलिटी आना, थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर आना, एक्ने आना, और ये बाल भी थोड़ा सा मेल बाल्डनेस आने लगती है। जैसे मेल का पैटर्न होता है कि थोड़ा थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, तो फ्रंटल थिनिंग पीसीओएस में भी शुरू हो जाती है लोगों को।
और अनटच टॉपिक जो मैं बोल रही थी वो ये है कि पीसीओएस के पेशेंट ये रियलाइज नहीं करते हैं कि इनको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है, जिससे इन्हें अपने पीयर ग्रुप से, जो भी इनके साथ का ग्रुप है, उससे जल्दी डायबिटीज आ सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है, हार्ट डिजीज का रिस्क इनको ज्यादा होता है, इवन सीए यूट्रस सीए ओवरी का रिस्क भी इनमें ज्यादा होता है अगर हम पीसीओडी को ट्रीट ना करें या उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेना ना शुरू करें। तो ये बड़े अनटच से टॉपिक होते हैं, जैसे लोगों में इसके लिए अवेयरनेस नहीं है, तो एजुकेशन इस चीज के लिए भी बहुत जरूरी है। ये आपने एक बहुत अहम बात कही है डॉक्टर साहब के लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, और यहाँ पर हम इसका एक दूसरा रूप भी देखते हैं कि एक तरफ तो अवेयरनेस की कमी है और दूसरी तरफ अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा ही है, क्योंकि आजकल नेट सर्च के जरिए लोग मतलब खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो एज एन एक्सपर्ट आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगी कि लोगों को कब डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है? देखो, पीसीओडी लगभग 1 in 10 वुमेन होता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इतना ज्यादा इंसिडेंस प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, 2% से लेके 20% तक हो सकता है। तो जनरलाइज जो हम लेते हैं कि 1 से 10 फीमेल्स में से एक को पीसीओडी हो सकता है या पीसीओएस हो सकता है। अगर आपका बच्चा, जैसे आजकल मैं 14-15 ईयर्स के बच्चे भी देखती हूँ कि जो पीसीओएस के साथ आते हैं, अगर आपके बच्चे को पीरियड नहीं आ रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, ओबेसिटी है, वेट गेन एक्स्ट्रा हो रहा है आपके बच्चे को, हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बच्चे में, या एक्ने बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर अनवांटेड हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर बहुत ज्यादा है, चिन पर है, फेशियल हेयर काफी ज्यादा है जो दिखाई देते हैं, तो ऐसे अगर आपको कोई भी लक्षण लगते हैं तो बच्चों को घर नहीं लेके बैठो, कंसल्टेशन के लिए आओ, ताकि उनको हम एजुकेट भी कर सकें, उनको लाइफस्टाइल के बारे में भी एजुकेट कर सकें कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है। आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड पैंडेमिक में पीसीओडी हमने एपिडेमिक की तरह देखा है। सब लोग घर पर बैठे हैं, किसी का कोई बाहर जाना नहीं था, कोई एक्सरसाइज नहीं थी, और घर में भी लोगों गैजेट्स के साथ ही ज्यादा बैठे रहते थे कि ये नहीं कि किसी फॉर्म की एक्सरसाइज कर ले। सबने वेट गेन किया, खाया पिया खूब, क्योंकि घर में खाली होते थे, तो लगता था किचन एक्सपेरिमेंट भी सबके घरों में बहुत ज्यादा हुए। तो पीसीओडी का डेट भी बहुत बढ़ा है, पहले जो हम केसेस देखते थे लगभग डबल केसेस हम पीसीओडी के देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, मतलब यहाँ पर आपने जो लाइफस्टाइल की बात की है, इससे मेरे जहन में ये सवाल आता है कि मतलब क्या ये लाइफस्टाइल डिजीज के तौर पर भी आइडेंटिफाई की जा सकती है, या और कौन से कारण है जिसकी वजह से ये समस्याएं आज इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं? पीसीओडी के देखिए मैम, 4 reasons वैसे तो बहुत एग्जैक्ट एटियोपैथोलॉजी नहीं क्लियर है, फिर भी हम 4 reasons सबसे ज्यादा मानते हैं। कभी कभी आपको ये जेनेटिक होता है कि अगर आपके घर में आपकी मदर को पीसीओडी है या आपके किसी फैमिली मेंबर को, फर्स्ट रिलेटिव को पीसीओडी है, तो आपको भी पार्शियल इनहेरिटेंस आ सकती है कि वहां से भी आपको पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स मिल सकते हैं, बीमारी आप ले सकते हो। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जो कि लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल एक्सपोजर, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, अगर आप ओबीज हैं, थोड़ा सा वेट आपका ज्यादा है, तो ओबीज पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज होती है मैम, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है जो हमारे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में अगर इंसुलिन आता है तो एंड्रोजन ज्यादा बनते हैं, एंड्रोजन ज्यादा बनते हैं तो हमारा इस चीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तीसरा, अगर बाई चांस जब आप प्रेग्नेंट हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन किसी भी फॉर्म में अगर आप ले लेते हो या डॉक्टर आपको दे देते हैं, आपका एक्सपोजर टेस्टोस्टेरोन से हो जाता है, तो इन बच्चों में भी माना जाता है कि पीसीओडी के सिम्टम्स आगे जाके आ सकते हैं। तो हमारा मेनली जेनेटिक हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, और ओबेसिटी अपने आप में, ओबेसिटी पर से पीसीओडी लाता नहीं है पर इसको एक्सेसरबेट कर सकता है, कि पीसीओडी के सिम्टम्स को ओबेसिटी हमेशा बढ़ाता है। ओबीज पेशेंट दे प्रोड्यूस मोर एंड्रोजन, कि उनमें एंड्रोजन ज्यादा बनता है, तो एंड्रोजन जब ज्यादा होता है तो पीसीओडी हमारा एग्रीवेट होता है। तो मेनली ये 4 चीजें मानी जाती है, पर मैं लाइफस्टाइल को फर्स्ट नंबर पे रखती हूँ, कि अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जंक ज्यादा खाते हैं, इससे पीसीओडी, इससे ओबेसिटी आती है, ओबेसिटी से आपका पीसीओडी और बढ़ता है। जो नए दर्शक इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि स्पाइडी लाइव के आज की कन्वर्सेशन में हमारे साथ हैं क्लाउड 9 हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर
साधना सिंगल बिश्नोई जी, जो कि एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी, जो कि आज हर दूसरी महिला की एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। तो ये कन्वर्सेशन उसी पर जारी है। आप इस समय इस पेज को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ ही कॉमेंट के जरिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साधना, मैं अपने अगले सवाल पर आती हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे परिवार की जो महिलाएं होती हैं अपनी प्रॉब्लम को सबसे आखिर में रखती हैं, और जब वो तकलीफ बिल्कुल उनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब वो उसका ट्रीटमेंट कराने में यकीन रखती हैं, अदरवाइज वो घरेलू नुस्खे या इग्नोरेंस उनका एक कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर मैं आपसे मतलब एक चीज ये पीसीओडी अधिकतर जो हमें देखने को मिल रहा है वो यंगर एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है। यंगर एज ग्रुप या जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिनको भी चाइल्ड बियरिंग चाहिए है, जो ओल्ड फीमेल्स है उनमें पीसीओडी आपको देखने को इतना नहीं मिलता है, और उनकी फैमिली कंप्लीटेड हो जाती है तो वो बदर भी नहीं करते हैं उतना। हाँ, पर हमें जैसे बींग पेरेंट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ये है कि अपने बच्चों को हम अच्छा लाइफ स्टाइल दें और अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें। अगर उन्हें पीरियड नहीं आते हैं उन्हें पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। एक्स्ट्रा हेयर, फेशियल हेयर, वो हम लोगों को भी दिखाई देते हैं। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं कि 6 महीने पीरियड नहीं आए हैं, दे आर सिटिंग एट होम, कि हमने सोचा आ जाएंगे। देखो, शुरू के जब आपको मेनार्की आता है, जब पीरियड आने शुरू होते हैं, शुरू के 2 साल में पीरियड थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं, तो वो पीसीओडी से बल्कि एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि आपका बच्चा अगर थोड़ा ओबीज है, पीरियड नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर नहीं आ रहे, तो हमें भी थोड़ा सा मुश्किल होती है उसको डायग्नोस करने में कि ये जस्ट अभी एक्सेस मेच्योर नहीं हुई है उसकी वजह से इरेगुलर आ रहे हैं या नॉर्मल। फिर भी हम 2 साल तक टाइम देते हैं कि आप 2 ईयर्स वेट करें, पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। पर उसके बाद भी अगर आपके बच्चे को 2 या 3 महीने से पीरियड नहीं आए हैं और बच्चा वेट गेन कर रहा है और भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। पेरेंट्स को भी इतना फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चे उनसे हेजिटेट ना करें अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, और जैसे पेरेंट्स को अवेयर भी होना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। और फीमेल्स भी हैं, फीमेल्स को भी अपने आप को सबसे पीछे क्यों रखना। देखो, उनपे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेल्थ को उनको देखना है कि हाँ उनकी हेल्थ कैसी है। उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी वो घर का देखभाल कर सकेंगे। तो इस चीज में कहीं कोई हेजिटेशन या इतनी सेक्रीफाइस की फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए कि हम अपना ध्यान तो रखेंगे, हम सबका ध्यान रखेंगे और अपना नहीं रखेंगे। जब अपना रखेंगे तभी सबका रखेंगे। जी बिल्कुल। और एक पॉइंट डॉक्टर साहब, आपने भी मतलब देखा होगा कि मतलब लोग इतना इस मामले में, जैसे कि पीसीओडी अब एक कॉमन प्रॉब्लम है, उससे मतलब चेहरे पर बाल आ जाते हैं तो ठीक है वैक्स करा सकते हैं, वेट ज्यादा हो गया है तो चलो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे, या कोई पीरियड्स नॉर्मल नहीं है तो उसको लेकर भी अपना ही कोई आकलन निकाल लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस रोग की गंभीरता क्या है और ये किस तरीके से किसी भी महिला की सेहत पर असर डालती है। हाँ मैम, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हम पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हैं, हमारा पीसीओडी को ट्रीट करने का मेन टारगेट ये होता है, सबसे पहला पेशेंट एजुकेशन, कि पेशेंट अगर हमारे पास आएगा हम उसको एजुकेट करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हम उसे लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे कि आपको अपना वेट मैनेज करना है, वेट आपको ऊपर नहीं जाने देना है, जिसके लिए आप बैलेंस डाइट खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, वेजीज खाओगे, अच्छा दालें खाओगे, है ना, जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे नॉर्मल डाइट जो घर के बड़े लोग खाते हैं। डेली बेसिस पे हमें वही डाइट लेना है, डेली बेसिस पे हमें जंक नहीं खाना है, जंक हमें अवॉइड करना है। तो हम यही राय देते हैं कि आपको जंक अवॉइड करना है, आपको जंक नहीं खाना है। जंक मीन्स मेरे लिए नो, जैसे एक्स्ट्रा कैलरीज, हाई कैलरीज। अब हम चाहे घर की डेली पूरी भी बना के खा रहे हैं, घर का मक्खन भी बहुत खा रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, स्वीट्स भी खा रहे हैं, चाहे वो हलवा बनाया, चाहे खीर बनाए, ये हम डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, वंस इन ए व्हाइल चलता है। तो हमें घर का पैटर्न सुधारना होगा, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा उठा के फिजिकल गेम में डालना होगा, कि आउटडोर गेम बच्चे जाएं, आउटडोर गेम खेले, जो भी उनकी पसंद हो। हम ये नहीं कह सकते कि आप वॉक ही करो, कि आपको वॉक ही करना है, आप कुछ भी करो, आप बैडमिंटन खेलो, आपको रनिंग अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, जिम एरोबिक्स जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करोगे। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आते हैं। यू हैव टू स्पेयर 1 आवर फॉर एक्टिव एक्सरसाइजेस, कि आप 1 घंटा निकालोगे ही निकालोगे अपनी एक्सरसाइज के लिए, जंक नहीं खाओगे, 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालोगे। और फिर मैम सिम्टम्स होती हैं, अगर देखो आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, फेशियल हेयर बहुत ज्यादा है, आपको इन चीजों को भी ध्यान देना है। तो सिम्टम्स को टारगेट करके यूजुअली हम दवाइयां देते हैं,
मेन लाइन हम पेशेंट को लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए बोलते हैं और 4 मंथ 6 मंथ हम उनको मेडिसिनल सपोर्ट भी देते हैं ताकि रिजल्ट थोड़े से अच्छे आए, क्योंकि पेशेंट्स इन वाले पेशेंट्स में ये भी देखा है अगर लुक्स थोड़ी सी खराब हो जाती है तो पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आने लगते हैं तो वो बिंज ईटिंग करने लगते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं तो उससे और डिप्रेशन भी बढ़ता है, ओबेसिटी भी बढ़ती है, पीसीओडी और खराब होता है। तो हम जितना जल्दी अगर हम अपने बच्चे में कहीं सस्पेक्ट भी करते हैं तो हमें जितना जल्दी हो सकता है उस चीज को इंटरवीन कर लेना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमारे पास आते हैं तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पीसीओडी जैसी पिक्चर तो नहीं है अल्ट्रासाउंड पे, और कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। अगर ब्लड टेस्ट में जैसे आप FSH, LH, इसमें हमारा LH और FSH रेशो बढ़ जाती है, यूजुअली LH कम होता है, एक हार्मोन होता है ये, फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन कराया जाता है, कुछ और हार्मोन्स है DHEAS 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, ये कुछ कुछ हार्मोन, इंसुलिन लेवल देखते हैं हम पेशेंट का, प्रोलैक्टिन इन लोगों में हाई हो सकता है वो वाला टेस्ट कराते हैं। तो बेसिक हम सारी टेस्टिंग भी करते हैं, अगर किसी टेस्टिंग में कुछ आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इंसुलिन जैसे प्रोलैक्टिन, मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों में प्रोलैक्टिन होता है, घर में ही अगर वो होम रेमेडी करते रहेंगे और ये हम कुछ भी टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम उनको डायरेक्टली ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे। तो जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका बेसिक वर्कअप जरूर कराते हैं कि बेसिक वर्कअप करके कि कितने एक्टिव ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बेसिक वर्कअप, अल्ट्रासाउंड, बेसिक ब्लड टेस्ट, ये सब बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक आम माइंडसेट जी नहीं अगर ये बोल रही हूँ कि और हाँ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट डायबिटीज का इंसिडेंस इनमें ज्यादा होता है, हाइपरटेंशन के लिए इनमें एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो लिपिड प्रोफाइल भी इनका कराया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराए जाते हैं, इंसुलिन लेवल भी कराए जाते हैं। अगर हम इन सबको ऐसे नेग्लेक्टेड छोड़ देंगे तो पेशेंट में डायबिटीज बहुत जल्दी आ जाएगी। तो पीसीओडी के पेशेंट में बस ये सबको एक ये जनरल अवेयरनेस भी देना चाहती हूँ कि खाली पीरियड ना आना, पीरियड डिले आना और इनफर्टिलिटी, पीसीओडी यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पीसीओडी में हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना, शुगर जल्दी आ जाना, हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा बढ़ जाना, और अगर आपको पीरियड लॉन्ग टर्म तक नहीं आते हैं, जैसे आपको है कि 4-6 महीने आपको पीरियड नहीं आ रहे, आपने कोई दवा ले ली फिर 4-6 महीने पीरियड नहीं आ रहे, तो जब इस तरह से पीरियड नहीं आते आप में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग थिक होने लगती है, ये यूट्रस के कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। तो हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और बच्चे को ऐसे टेंशन भी नहीं देनी चाहिए, समझा कि वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर ले ताकि वो डिप्रेशन में भी ना जाए। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब आपने ये जो जानकारियां दी हैं ये इतनी अहम है जिससे कोई भी लेडी अपने आप को रिलेट करके देख सकती है कि मतलब पीसीओडी या पीसीओएस सिर्फ इतनी छोटी समस्या नहीं है कि जिसे हम वेट से जोड़ के देख सके या पीरियड से जोड़ के देख सके, किस तरीके से ये बहुत सारी बीमारियों का पूरा एक पैकेज अपने साथ लेकर आती है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत में डॉक्टर साधना सिंगल बिश्नोई जी। डॉक्टर साधना मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस अहम जानकारी के लिए। थैंक यू। और साथ ही जो लोग हमें देख रहे हैं, आप अगर अपने परिवार की महिलाओं का ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही इस पेज को लाइक भी कीजिए और कमेंट के जरिए आप हमें ये बताइए कि इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए आपने कौन सा फादर स्टेप अपनाया। इसी तरह के हेल्थ कंसर्न के साथ हम फिर आपसे जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।